हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास सो दिस इज़ आर डेली न्यूज़ एनालिसिस इन दिस क्लास वी आर कवरिंग द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ फिल्म वेल एज मीन सो लेट्स गेट स्टार्टेड वट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वील बी टेकिंग क्लास प्लीज है लुक जियोग पेट्रोगफ इसको लेकेड न्यूज़ है स्पेशली अगर हम बात करें रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसको लेके ये सब चर्चा में चल रहा है तो देखेंगे क्या होते हैं आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी फाइन और साइंटिफिक प्रोसेस टू स्टडी द हिस्ट्री अगर आप देखोगे इस पर एक आर्टिकल भी है यू हैव दैट और प्राइम uh, मिनिस्टर की तरफ से फ्रंट पेज पे न्यूज़ भी है तो दोनों चीज़ें uh, एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं हमने कंबाइन किया है सो सी दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सीड स्कीम चर्चा में है इसको लेकर न्यूज़ है और कैसे ये ट्राइबल से रिलेटेड है क्या जो डी नोटिफाइड या नोमेडिक सेमी नोमेडिक ट्राइब्स होती हैं सब चीज़ें प्रचंडा जो हैं पी एम बन चुके हैं नेपाल के मतलब एक बहुत ही चेंज वहाँ पर देखा गया है लास्ट टाइम पे ये चेंज देखने को मिला तो ये पूरा इशू डिस्कस करेंगे क्या हुआ है और इंडिया के जो टाइज है इंडिया नेपाल के उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि अगर देवूबा बनते प्रधानमंत्री तो फिर इंडिया के परस्पेक्टिव से अच्छा होता अभी यहाँ पे ओली जी की भी एंट्री है और उनको प्रो चाइना माना जाता है तो खैर रूह अफजा का जो ट्रेडमार्क है इसको लेके चर्चा है दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो ये जो पेपर थ्री है आई पी इश्यूज है उसमें आपका डील होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा है एक आर्टिकल आपका है फिल्म बिट्स यहाँ पे जो एम है वो करेंगे और लास्ट में आपका आंसर राइटिंग के लिए एक मीन्स का क्वेश्चन रहेगा सो so, ये सारे टॉपिक्स हैं इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे ग्रेट टू सी यू ऑल ईयर सो लेट्स बिगिन द क्लास देखो ये एक मैंने आपको इनिशिएटिव दिया था आई होप लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आपको दिया होगा लास्ट वीक या ये इनिशिएटिव मैंने आपको दिया था कुछ दिन हमने इसको कंटिन्यू भी किया था क्लियर आप कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं वो एक अलग बात है तो मैंने आपको कहा था कि आप एक सिंपल जो छोटा पेपर है लाइक यू हैव दिस ऐसे जो छोटे पेपर्स होते हैं उसको अपने डेस्क पे रखिए जरूरी नहीं है इसको कॉपी करना बट वट वॉज द बेसिक आइडिया कि आप अपना डेली का शेड्यूल डेली शेड्यूल मतलब समझते हैं ना डेली का शेड्यूल आप पहले से प्री प्लान करेंगे रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आप उस पर पूरा लिखेंगे कि आज मुझे ये ये, ये चीज़ें करनी है ना पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है तो कितने बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं आ, अगर आप वाकई में इस इनिशिएटिव से परिचित हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ अगर आप वाकई में इस इनिशिएटिव से परिचित हैं और अगर आप इसको डेली कर रहे हैं इट बेसिकली शोज़ योर कमिटमेंट टू द गोल है ना कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मतलब लगन है उस और डेफिनेटली आपको बेनिफिट हुए होंगे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पाँच दिन फॉलो किया होगा फिर सोचा होगा सर ने बंद कर दिया तो इसको बंद कर देते हैं तो वो बंद नहीं करना है आपको अपने बेसिस पे इनिशिएटिव तो चालू रखना ही है ना तो ठीक है नया साल भी आ रहा है ट्राई टू अलाइन विद दीज थिंग्स है ना अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रैटी प्लान कीजिए और उसके लिए थोड़ी सी विल पावर चाहिए अदरवाइज़ क्या होता है प्लानिंग हम पूरी करते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें छूटती चली जाती है तो वो एक दिन का जो गैप होता है ना वो दस दिन एक महीना फिर पूरा साल निकल जाता है वो हमें नहीं करना है इसलिए ये चीज़ें हेल्प करती है है ना डेली उस पर आप टिक कर रहे हो डेली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो ठीक है शुरू करते हैं दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन माय नेम इज राहुल भारद्वाज और ये टेलीग्राम चैनल आपका है जहाँ पे आपको सेशन के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं प्री स्पेशल क्लास इस लिंक पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं आज आपकी जो रिवीजन सीरीज़ की क्लास है इंडियन इकनॉमी वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी दस बजे वो क्लास है नए बचेज आपके बाईस दिसंबर से स्टार्ट हैं यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस बैच कोर्स एंड कम्प्लीट द सिलेबस सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यूज द कोड आर बी एल आई वी ई टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस चलिए शुरू करते हैं कितने बच्चों ने किया है ये क्लास अहेंड होने के बाद मुझे बताना ये शेड्यूल कितने बच्चों ने रिलीजियसली फॉलो किया है और अगर आपने फॉलो किया होगा पंद्रह दिन भी फॉलो किया होगा ना सो यू मस्ट हैवे काइंड ऑफ ह्यूज इंप्रूवमेंट है ना इन योर कंसिस्टेंसी इन योर कॉन्फिडेंस लेवल इन योर एफिशियसी कितने समय में कितना पढ़ पाते हो कितनी चीजें कर पाते हो हर चीज़ में बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा जो नए बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर लेना ठीक है ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करो ये एक हमने जनरल आइडिया लिया है आपके जो भी डेली गोल्स हैं उनको आपको रखना है ये प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आज पूरे दिन में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ ढूंढना जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सको उससे क्या होगा एक माइंड सेट जो है हमारा पॉजिटिव होने की तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की तरफ तो हमारा ध्यान पहले जाता है जो नहीं है हमारे पास उसकी तरफ ध्यान पहले जाता है और जो चीज़ें हमें मिल रही हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम ग्रांटेड लेते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ठीक है हमारी हेल्थ है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जिस बंदे के पास ये नहीं है ना उसको पूछो कितनी बड़ी इशू है बट वट वी डू वी जनरली डू टेक दीज थिंग्स ग्रांटेड तो जो भी अच्छी चीज़ है पूरे दिन में उसके लिए आपको थैंक्स कहना है रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ओके okay, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि ये जो रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी प्रपोज किया गया है, है ना तो इंडिया का अगर मैं मैप इस तरह से बनाता हूँ यू हैव मुंबई गोवा मुंबई गोवा के बीच में आपका बिल्कुल कोंकण कोस्ट है है ना वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये आपका प्रपोज किया गया है और यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स हैं और जिनको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में हमने डाला है है ना टेंटेटिव लिस्ट में डाला हुआ है और यहाँ पे ये कंसर्न ये है कि अगर यहाँ ऑयल रिफाइनरी आ जाती है तो इनको नुकसान होगा है ना हजारों साल पुरानी ये आपकी रॉक आर्ट है और उससे डेफिनेटली नुकसान होगा इसलिए ये चर्चा में ये तो हो गया कॉन्टेक्स फाइन अब हम बात करें कि यहाँ पे क्या चीजें आपको जाननी है पहली चीज तो ये पेट्रोग्लाइफ या जियोग्लाइफ ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या होते हैं क्या जियोग्लाइफ पेट्रोग्लाइफ सेम है यूनेस्को क्या कह रहा है, है ना एंड वट आर अदर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडिया भीम बेटका का नाम याद आ गया होगा है ना

उस वाले रीजन के अंदर जहां कोंकण कोस्ट में ये मिल रहा है तो वहां पे इन्होंने ये जो प्लेचू है ये जो लैंड पार्ट है यहाँ पे ये जो रॉक्स है, है ना इसके ऊपर इसको एनग्रेव किया हुआ है एनग्रेविंग की हुई है रिमूविंग द पार्ट ऑफ द रॉक सरफेस ये जो चट्टान है उसको हटा रखा है इन सीजन पिकिंग उसके माध्यम से इस तरह से ये इन्होंने ये पेंटिंग टाइप बना रखा है क्लियर तो इनको जियोग्राइफ कहा जाता है एक तरह की प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स इचिंग्स कप मार्क रिंग मार्क्स है ना अलग अलग तरह के ये रिंग मार्क्स वगैरह हो सकते हैं लाइक यू सी सम काइंड ऑफ मार्क इज देआर क्लियर और क्या है यहाँ पर जियोग्राफ क्लस्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एडवांस्ड आर्टिस्टिक स्किल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इन्होंने कई ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर बनाया है फाइन कुछ ऐसे एनिमल्स को यहाँ पे बनाया है जो कि अभी विलुप्त हो गए हैं ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है फिगर डिपिक्ट इन द दोग्लाइफ इंक्लूड द ह्यूमन एनिमल फिगर्स है ना एनिमल अब ये रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे लगभग लग सारे सारे आपको तो देखने को मिल रहे हैं पिग है रेबिट है एलिफेंट टाइगर मंकी डियर एटसेट्रा तो काफी सारे ये जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं ह्यूमन फिगर्स हैं ये यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं लार्जेस्ट रॉक एनग्रेविंग और जियोग्लाइफ इन इंडिया इज एट कशेली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तो ये एक फैक्ट है इसको ध्यान रखिए कशिली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ये आपका है और काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं चाहे है मरीन हो या अदरवाइज एक्वेटिक टेरस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनको ये यहाँ पे मार्क करता है अपनी पेंटिंग्स में दिखाता है और वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं क्लियर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड पीसेज ऑफ सच आर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज कतल शिल्पा कटल शिल्पा आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट तो ये ये वर्ड याद रखना है और ये कशेली ये ये ध्यान रखना है जियोग्लाइफ क्या होते हैं ये ध्यान रखना है जियोग्लैफ पेट्रोग्लैफ़ सेम ही है अगर हम यूनेस्को की बात करें देखो एज पर द यूनेस्को लिस्टिंग पेट्रोग्लैफ़ एंड जियोग्लैफ शेयर सिमिलैरिटी एज बोथ रिक्वायर द स्किल्स ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ एनग्रेविंग एज अ सिंबल ऑन द रॉक सरफेस क्योंकि आप देखोगे भीम बेटका की जो पेंटिंग है, है ना भीम बेटका मध्य प्रदेश में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो ऑलरेडी है तो वहाँ पे रॉक पे ये एनग्रेविंग की हुई है और ये लगभग तीस चालीस हजार साल पुरानी है ना दस हजार से uh, साल पुरानी से तीस हजार चार हजार साल पुरानी ये रॉक एनग्रेविंग हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं तो इनको हम क्या कह रहे हैं पेट्रोग्लाइफ कह रहे हैं दीज रॉक एनग्रेविंग्स वर कॉल्ड पेट्रोग्लाइफ मतलब रॉक पेस तरह से ये जो आपने पेंटिंग किया हुआ है तो यूनेस्को uh, कह रहा है कि ये सेम ही है पेट्रोग्लाइफ और जियोग्लाइफ से अपनी जो स्किल्स हैं एंड ऑल काफी सारी ये सिमिलैरिटीज शेयर करती है। तो हैं तो ये कोंकण जियोगलाइफ है कहाँ पे हैं, ये ध्यान रखो बाकी इंडिया के अंदर जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं उसके लिए भीम बेट का केव जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये काफ़ी पॉपुलर है और इनको जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें ज्यादातर जो जानवर हैं एनिमल्स हैं उनके जो है इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं वन ऑफ द ऑलडेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म कैन बी फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब ऐसा नहीं इंडिया में ही मिल रही है स्पेन हो गया इंडोनेशिया में अभी एक मिला था काफ़ी पुराना तो हर जगह पे ये हमें देखने को मिल रहा है क्लियर तो ये आर्ट एंड कल्चर पे हो गया इसको ध्यान रखिएगा आर्ट एंड कल्चर पे अभी क्या कर रहा है थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड जा रहा है दो तीन साल से अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि हो सकता है आप ये जो रत्नागिरी की प्री हिस्टोरिक साइट है इसको आने वाले समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड होता हुआ देखें क्योंकि चांसेस यहाँ पे हैं अलोंग विथ रत्नागिरीज प्री हिस्टोरिक साइट है ना ये जो जियोग्राइफ है इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वीरभद्र टेम्पल है लेपाक्षी वीरभद्र टेम्पल तो ये भी ऐड हो सकता है और इसके अलावा जिंग कैंग जी जिंग कैंग ये जो है ये लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है आप देखोगे मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं है ना इस तरह से ये देखो जो पौधों की जो रूट्स हैं उससे ये इन्होंने ब्रिज बना रखे हैं ताकि पुल टाइप बना रखा है ताकि अपना आना जाना कर सके कनेक्टिविटी इंश्योर कर सके तो ये है मेघालय के और इनको भी ऐड किया जा सकता है यूनेस्को क्या कहता है यूनेसको कहता है ये जो है हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज है स्पेशली खासी ट्राइब है नाम ध्यान रखना मेघालय में तीन मेजर ट्राइब्स है गारो खासी जयंतिया और उन्हीं के नाम पे वो हिल्स का नाम पड़ा पड़ा हुआ है तो जो खासी ट्राइब है इन्होंने इसको इस तरह से बना रखा है कि कैसे जो एक एकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए हमने है ना यहाँ पे डिजास्टर रिजिलियंट भी है ये क्लियर किसी भी तरह का कुछ होता है तो वो इन्होंने बनाया और जनरेशन से जो नॉलेज एक्वायर किया उस तरीके से ये है सो so, ठीक है ये भी ऐड हो सकता है आपका तो ये चर्चा में इनको ध्यान रखें पॉलिटी पे आते हैं आज फ्रंट पेज पे न्यूज़ देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया की जो है इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है मतलब हमारा जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस है बट यहाँ पे डेलीबरेटली जो हिस्ट्री है है ना उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कनकॉक्टेड हिस्ट्री लेड टू देंस ऑफ इन्फीरियरिटी है ना अलग तरीके का वो मिक्सचर यू कैन से जो भी इंटरप्रटेशन यहाँ पे किए गए हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग उस पर ये चर्चा है तो मेजर वो क्या कह रहे हैं और हिस्ट्री के इंटरप्रटेशन को हमें कैसा लेना चाहिए क्या हिस्ट्री में केवल फैक्ट रटने वाली बात है या उसको एक साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी भी किया जा सकता है क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी चर्चा होगी है ना कि सेफरनाइजेशन हो रहा है ये है वो है वो चर्चाएं भी होगी तो यहाँ पे क्या कोई साइंटिफिक प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी है तो उसको भी हम यहाँ पे क्लब करेंगे तो दोनों चीज़ों को एक साथ हमें पढ़ना है पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी जो इतनी ग्लोरियस हमारा पास्ट है सो so, डेफिनेटली uh, ऐसा कंट्री जिसका इतना ग्लोरियस पास्ट है मस्ट बी फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट नीड टू गेट फ्री फ्रॉम नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट है ना तो इस तरह की जो नरेटिव डेलीबरेटली रखी गई हैं आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन उन्होंने देखा कि ये जो कल्चर है इंडिया का ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये इतना रिच एडवांस्ड सिविलाइजेशन है हमारे कंपैरिजन में इतना एडवांस रिच सिविलाइजेशन है कि इसको अगर हमें टेक ओवर करना है इस पर अगर हमें रूल करना है इनको अगर गुलाम बनाना है तो पहले इनका जो माइंड सेट है, है ना उसको एक उसमें एक इंफीरियरटी कॉम्प्लेक्स डालना होगा तो मैकुल ने उसी एक प्रोपोगेंडा के तहत हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है बहुत ही ज़्यादा इस तरह से ध्वस्त किया या आप कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई इस वे में किया कि वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे रादर देन सर्विंग आर ओन इंटरेस्ट तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से हुआ जिसमें ये बताया गया कि सभी चीज़ें जो हैं अभी ही है ना सब कुछ ब्रिटिशर्स ने ही हमें दिया है हमारा पहले से कुछ नहीं है क्लियर और अभी भी बहुत सारे लोग ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बहुत सारे लोग ये माइंडसेट रखते हैं कि ये सब चीज़ें अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमारे पास नहीं होती जैसे डेमोक्रेसी पे चर्चा होती है ग्लोबल मंच पे चर्चा होती है और तो क्या ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में नहीं आते तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होती तो अगर आप एंशेंट इंडिया पढ़ेंगे इसीलिए एंशेंट इंडिया है हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या जो पूरी हमारा है या फिर आर्ट एंड कल्चर है वो हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने बारे में जान सकें है ना हम फैक्ट्स से हम ओपिनियन की बात नहीं कर रहे हैं हम फैक्ट की बात कर रहे हैं वाकई में क्या तथ्य हैं उससे हम अवेयर हो सके और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे अभी चोलाज वाली मूवी आई है ना तो उससे पी एस वन करके एक मूवी थी सुना होगा नाम आपने देखी भी होगी तो वहां पे हमें पता चला कि चोलाज का इतना ग्रांड एम्पायर था मतलब उनकी इम्पीरियल आर्मी थी आज से हजार साल पहले ऐसी उनकी नेवी नॉट आर्मी नेवी की हम बात कर रहे हैं इंपीरियल नेवी उनकी थी पूरा साउथ ईस्ट एशिया में उनका इन्फ्लुएंस था इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था तो हजार साल पहले हमने इतनी स्ट्रांग नेवी कैसे क्रिएट की ब्रिटिशर्स ने तो 500 साल बाद वो नेवी क्रिएट की कुछ एडवांसमेंट रहा होगा इतने जो ग्रैंड टेम्पल्स हैं आर्टिस्टिक मार्वल हैं आर्किटेक्चरल मार्वल है आप तंजावुर का टेम्पल देखिए या फिर किसी भी टेम्पल को हम देखें मोधेड़ा टेम्पल की हम चर्चा कर लें जो अभी चर्चा में था ठीक है तो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स और ये कैसे बन गए आज एक छोटा सा घर बनाते हैं तो हम आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट के पास जाते हैं उससे नक्शा बनवाते हैं जियोमेट्री तो बड़े -बड़े तो की नॉलेज रही होगी क्लियर हम आज से पांच, पांच हजार साल पुरानी बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन प्लानिंग देखते हैं तो आज जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग है वो वहां से इंस्पिरेशन लेता है तो वो नॉलेज हमारे पास कहाँ से आया वो हजारों हजारों साल पुराना नॉलेज पांच हजार साल पुराना हजार साल दो हजार और ये केवल सीमित नहीं है आर्किटेक्चर तक आर्ट एंड कल्चर तक सीमित नहीं है हम मैथमेटिक्स की बात करें हम मेडिसिन की बात करें है ना हम सर्जरी की बात करें हम आ, पूरी और फिज़िक्स हैं केमिस्ट्री है, है वहाँ पे बात करें आप देखेंगे मेहरोली का आयरन पिलर है आज जो सरिया आता है आरसीसी में लगता है आरसीसी में सरिया लगता है ना जंग रोदक सरिया एड आता है उसका और वो जंग रोदक सरिया ला भी क्या होता है वो पता चलता है उसमें जंग लग ही जाता है क्लियर लोहे के अंदर बड़ी जल्दी से रस्टिंग हो जाती है कि इसको पानी में मतलब जंग लग जाएगा गल जाएगा और वो जो मेहरौली का आयरन पिलर खड़ा है वो बिल्कुल धूप बारिश और गर्मी बरसात इतने सालों से वहाँ पर खड़ा है और उस पर कुछ नहीं हुआ तो वो इतनी एक्सीलेंट मेटालोजिकल टेक्निक्स कहाँ से आई है? है ना अगर सब कुछ ब्रिटिशर्स ने दिया तो ठीक है आप यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जिन बच्चों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है नॉलेज है वो सब अवेयर हैं अदरवाइज क्या है कि एक सेट किया गया है ना लोगों के माइंड सेट को चेंज करने के लिए डेलिबरेटली उनके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भरने के लिए कि आप हमेशा से गुलाम रहे हैं आपका खुद का कुछ नहीं है जबकि इतना रिच सिविलाइजेशन है है इतना रिच हमारा पास्ट इसीलिए जब आप आर्ट आर्ट एंड एंड कल्चर कल्चर पढ़ेंगे पे मैंने कुछ क्लासेस ली हैं और वो केवल आउट ऑफ इंटरेस्ट है कि आर्ट एंड कल्चर में मेरा एक इंटरेस्ट है बाकी मेजर जो सब्जेक्ट है उसमें इकोनॉमिक्स आता है इकोनॉमिक्स की क्लासेज में यहां पे लेता हूँ करंट अफेयर के अलावा लेकिन आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट इतना ज्यादा है क्योंकि वहां से ऐसी चीजें आपको जानने को मिल रही है कि अच्छा है ये भी था ये भी था सो so, ये आपको ध्यान रखना है और उसी चीज की है ना अब आप, आप एप्रीशिएट कर पाएंगे किस इस कॉन्टेक्स में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चर्चा कर रहे हैं देखिए दीज काइंड ऑफ नरेटिव आर टॉट टू इन्फ्यूज द इंफीरियरिटी क्योंकि अगर ये माइंड सेट में इन्फीरियरिटी नहीं भरेंगे तो फिर हम इस पर रूल कैसे करेंगे आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक शेर का छोटा बच्चा होता है और वो भेड़ों के झुंड के अंदर पला बड़ा होता है ना तो वो सामने जब शेर एक बार भेड़ों के झुंड के अंदर वो भी जा रहा होता है सामने से शेर दिखाई देता है सब भागने लगते हैं ठीक है उसको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं होता है लेकिन जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है इस तरीके से कि नहीं मैं तो मैं शीप नहीं हूँ आई एम लायन तो उसको रियलाइज होता है तो मेंटल अगर आप देखोगे मेकअप जिसे हम कहते हैं माइंड आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं क्या आपका सेल्फ बिलीफ है क्या आप अपने बारे में सोचते हो रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने बारे में क्या सोचते हो ठीक है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जो नरेटिव्स हैं उन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो जनरेट किया तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया फिर जो आ, हम देखते हैं विवेकानंद का लिटरेचर है या बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं जिन्होंने इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम किया है ना हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं उनको बताया डेमोक्रेसी पे ही डिबेट होती है कि ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने दिया जबकि एंशेंट इंडिया में आप पढ़ोगे हमारे जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं है ना हजारों साल पहले इंडिया में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस या उसका एक मॉडल वहां पे था जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में हो बट वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी जिनको हम चेरिश करते हैं है ना अदरवाइज अगर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे पास में इस तरह से नहीं होती तो फिर पाकिस्तान भी तो इंडिया में से ही निकला है तो वहां पर डेमोक्रेसी तो नहीं जा रही है इस तरह से जबकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है आप कह सकते हो कि हमारे खून के अंदर है जैसा कि यहाँ पे कहा जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ से उधार ली है तो उसी कॉन्टेक्स में ये सारी डिबेट है और ये कह रहे हैं कि हमें जो है ये नैरो इंटरप्रिटेशन है इससे बाहर निकलना होगा ये जो जानबूझ के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एड किया गया है इससे हमें बाहर निकलना होगा यूथ ऑलवेज सिक रोल मॉडल टू लर्न एंड फाइंड द इंस्पिरेशन तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में केवल हमें ये रटना है वो वहाँ देखते हैं हिस्ट्री से सीखते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं काफ़ी सारे उन्होंने नाम दिए चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें गुरु नानक देव की बात करें बुद्धा हैं गौतम बुद्ध हैं महावीर हैं लॉर्ड राम हैं तो बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशन हैं जो हम ले सकते हैं उन वैल्यूज़ को चेरिश कर सकते हैं ना जो ग्लोबल पीस को बढ़ावा दे रही हैं हमारे अंदर एक जो स्प्रिट है है ना इंथ्यूजाज़म है फॉर नेशन बिल्डिंग उसको इंश्योर कर रही तो अब यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो डिबेट आती है कि क्या हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन का कोई ऐसा तरीका है है ना क्या कोई साइंटिफिक तरीका है भी या नहीं है तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इसी आर्टिकल में कंटिन्यूएशन रहेगा आज ही के पेपर में यह है तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को हेड किया विनय पी सशस्त्र बुद्धे ने और उन्होंने रिफॉर्म्स इन कंटेंट डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक इसको प्रेजेंट किया है ना यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने प्रेजेंट किए तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं ये ध्यान रखना और कौन कौन से रिफॉर्म मेंशन uh, कर रहे हैं ये एक समरी टाइप है ये भी ध्यान रखना है मतलब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फिर टेक्निक्स हैं उनमें एक टेक्निक याद रख लेना दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट तो ये क्या कह रही है कमेटी जो बनाई गई रिफॉर्म इन कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल तो येस्टोरिकल फैक्ट्स एंड अबाउट आर नेशनल हीरोक्स बुक है ना हमारी जो टेक्सट बुक है उसके अंदर डिस्टोर्शन किया गया है हमारे जो नेशनल हीरोज है काफी सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है ना इंश्योरिंग द इक्वल एंड प्रपोर्शनेट रेफरेंस टू ऑल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के सारे पीरियड्स पे एक प्रपोर्शनेट वो एम्फेसिस देना ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे सब आपने फोकस किया हुआ है बाकी जो और पीरियड्स हैं या और जो उस समय पे पर्टिकुलर दौर रहा है ना उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे लचित बोर फुकान है ना ये नाम आपने सुना होगा जरूर आसाम के जो है एक तरह के वहाँ पे नेशनलिज़्म के हीरो हैं उन्होंने मुगल्स को हराया और बहुत बुरी तरीके से कई बार हराया है ना और प्रोटेक्ट किया आपने उस एरिया को तो लचित बोरफुकान के बारे में कोई नहीं जान रहा था दो साल पहले तक लेकिन अब सरकार का पूरा ये चला है पिछले एक डेढ़ साल से सरकार प्रयास कर रही है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं सबके बारे में लोगों को पता चले है ना जिनका वाकई में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो उसी के कॉन्टेक्स में ये देखिए कह रहे हैं जो भी नेशनल हीरोज़ का डिस्ट्रॉक्शन है उनको हटाना सभी को प्रोपोर्शनेट रेफरेंस वहाँ पे दिया जाए है ना ऑल पीरियड्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ग्रेट हिस्टोरिक वुमन हीरोज़ वुमन हीरोज़ जो हैं उनका रोल और आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में कई बार जो वुमन फ्रीडम फाइटर्स या हीरोज़ हैं है ना लीडर्स रही हैं उनका मेंशन करते रहते हैं और उसको हम कवर भी करते हैं कम से कम बीस के आसपास अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी लीडर्स अभी तक हमने कवर किए हैं अगर हम चर्चा करें इन द लास्ट टू से वन ईयर यू कैन से पोस्ट कंसल्टेशन द कमिटी ब्रॉट अराउंड ट्वेंटी फाइव सजेशंस रिलेटेड टू वॉट कि कैसे हम uh, बच्चों का जो इंगेजमेंट है लर्निंग के लिए बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है रिफॉर्म किया जा सकता है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में है ना uh, इसको uh, कैसे एम्फोसिस किया जा सकता है यूज ऑफ एड टेक एड जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसको

वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह की टेक्स्ट बुक चाहिए जो कि यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रही है नेशनल इंटीग्रेशन में केवल यही नहीं है कि फिजिकली हम एक साथ हैं कि इमोशनल लेवल पे है ना वो इंटीग्रेशन भी वहां पे होना जरूरी है तो उस कॉन्टेक्स में इसको पढ़ा जाना है सिटीजन्स अगर इस तरह की हिस्टोरिकल थिंकिंग है ना हिस्टोरिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा सिटीजन्स में तो डेफिनेटली वो डेमोक्रेसी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहां पे राइटर कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल थिंकिंग इंडिया के अंदर काफी कम है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो एक साइंटिफिक प्रोसेस के अंतर्गत इसको बढ़ावा दिया जा सकता है कुछ टेक्निक्स इन्होंने मैंशन किए कि हम कैसे जो है ये एस सी आई एम टेक्निक है समराइज कंटेक्चुअलाइजिंग इनफ्रिंग मॉनिटरिंग एंड है ना आर्क टेक्निक है और हिस्टोरिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स है तो ये कह रहे हैं ये थर्ड जो टेक्निक है है ना इसके अंदर पांच तरह की जो है स्किल्स ड्रा की जा रही हैं जैसे आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग हिस्टोरिकल कॉम्प्रीहशन हिस्टोरिकल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हिस्टोरिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज हिस्टोरिकल इशू एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग तो आपको अगर क्वेश्चन होता है हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन पे क्योंकि एक बहुत ही एक ऐसा इशू है जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है डिबेट भी होती है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं है ना एक कह रहे हैं कि आपने जो इंटरप्रिटेशन है गलत किया है दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि आप सेफरनाइजेशन कर रहे हो क्लियर सेलेक्टिव उनको इंक्लूड कर रहे हो तो वहां पे आपको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लेना है और ये जो पॉइंट है ये लास्ट वाले ये आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो कि हमें हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी कैन डू फॉर वी कैन गो फॉर हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन फाइन ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो ऐसी चीजें हैं स्टैटिक पोर्शन में नहीं मिलती हैं आर्टिकल्स में आपकी कवर हो जाती हैं तो ये अच्छी बात है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेडिक ट्राइब्स इन कोटा लिस्ट पैनल तो एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्रेस है ना आपकी ये काफी धीरे है किस चीज में ये ढाई सौ के आसपास आपकी डी नोटिफाइड नॉमेडिक ट्राइब्स है डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब्स है ढाई सौ के आसपास और ये ऐसी ट्राइब्स है जो वाकई में बहुत ज्यादा वर्लरेबल है मार्जिनलाइज है Uh, मतलब सर्वाइविंग चैलेंज uh, इनके लिए है ऐसे ये ट्राइब्स हैं और इनको आपको क्या करना होगा इनको बेनिफिट देने होंगे जो बेनिफिट आज एस सी और ओ कम्युनिटीज ले रही हैं तो इनको आपको uh, ये जो लिस्ट है एस सी एस वाली लिस्ट है वहाँ पे इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है और आपकी प्रोग्रेस बहुत कम है फाइन तो पहले तो ये जाने कि ये डी डी क्या होती हैं ना डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो रहा है तो ये दो टॉपिक हमारे पास हो जाएंगे पहले तो डी नोटिफाइड नोमेडिक सेमी नोमेडिक ट्राइब्स जिनको शॉर्ट में डी हम कहते हैं डी नोटिफाइड नोमेडिक सेमी नोड नोमेडिक ट्राइब तो ये क्या है देखो आ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था काफी सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिनको एक तरह का ठप्पा लगा दिया था ब्रांड कर दिया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स है पाई तो ब्रिटिश रूल के समय ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया और वहां पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन है ना ट्राइबल पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर ट्राइब को उन्होंने क्या किया क्रिमिनल्स बाई बर्थ समझ रहे हैं आप आई मीन कैन यू इमेजिन दिस क्रिमिनल बाई बर्थ उन पर यह थप्पा लग गया अंडर दिस क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट लेकिन जब भारत आजाद हुआ 52 के अंदर ये एक्ट जो है इसको हटाया गया रिपील किया गया इस कानून को हटाया गया और ये जो कम्युनिटीज है इनको डी नोटिफाई किया गया डी नोटिफाई किया गया क्योंकि इनको इस एक्ट के अंदर अगर नोटिफाई किया हुआ था कि ये क्रिमिनल ट्राइब है पूरी की पूरी अगर इस ट्राइब में कोई भी जन्म रहा है तो वो जन्मजात क्या हो गया क्रिमिनल हो गया तो इंडिया ने उसको कानून को हटाया और इनको डी नोटिफाई किया तो ये हो गई डी नोटिफाइड ट्राइब्स अब नॉमेडिक सेमी नोमेडिक ट्राइब है देखो नॉमेडिक में क्या है घुमक्कड़ जो प्रजा मतलब ट्राइब्स हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं किसी एक जगह पर सेटल नहीं हो रही है तो मेंटेन द कांस्टेंट जियोग्राफिकल मोबिलिटी वाइल सेमी नॉमेड्स के हैं वो सेमी नॉमेड्स भी मूव करेंगे लेकिन साल में एक बार एक जगह पे सेटल होंगे तो ये येडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब इस तरह से हैं देर आर नियरली फिफ्टीन हंड्रेड नॉमेडिक सेमी नोमेडिक ट्राइब्स एंड वन नाइनटी एट डी नोटिफाइड ट्राइब्स कंप्राइजिंग अराउंड फिफ्टीन करोड़ इंडियंस पंद्रह करोड़ ऐसे लोग हैं अकॉर्डिंग टू द रेन के कमीशन ये जो रेन के कमीशन है ये लाया गया और uh, 2006 में आई थिंक इसको इन्होंने किया था उस पर भी हम आएंगे और रेन के कमीशन जो है इसने भी इस बात को उठाया कि ये जो ट्राइब्स हैं वाकई में आपकी ये जो बालकृष्ण सिद्धाराम के हैं इन्होंने इसको हेड किया था इसलिए इसको रेन के कमीशन बोलते हैं रेन के कमीशन जो है इसको नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब कहा जाता है तो यहाँ पे जो रेन के हैं उन्होंने अपनी ये जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने कहा कि वाकई में यहाँ पे इनकी स्थिति काफी जो है वल्नरेबल है अगर आप देखेंगे और इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं निगलेक्टेड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है ठीक है ना और जो सपोर्ट सिस्टम अभी एट प्रजेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है उस सपोर्ट सिस्टम से भी ये क्या है डिप्राइव्ड हैं वंचित हैं तो वो कह रहे हैं कि इनको इसमें इंक्लूड किया जाए क्लियर इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट एस सी को दिया गया है वो सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है D D -Notified जो, और जो हैं, इनको वो नहीं मिल रहा है तो ये कह रहे हैं जरूरत है इनको पे इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है फिर और काफी सारी चीजें कही इनकी पॉपुलेशन दस करोड़ बताई थी दो के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ के लगभग पंद्रह करोड़ ये बता रहे हैं और कुछ जो ट्राइब्स है इनमें से उनको एस सी के अंदर कैटेगराइज किया गया है लेकिन काफी सारी ट्राइब्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो ना क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेडिक ट्राइब इन द कोटा लिस्ट ये इसी बारे में कह रहे हैं क्योंकि इनको वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है जिस परपज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट बना है है ना उस सपोर्ट की जरूरत है तो इनको आप इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो ये पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है ये हो गया आपका क्लियर और अगर हम रेन के कमीशन की बात करें ये और क्या कहता है ये कह रहा है कि आपको जो इनको बेसिक फैसिलिटीज हैं है ना चाहे एजुकेशन है हेल्थ केयर है हाउसिंग है ये सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी स्किल बिल्डिंग के द्वारा लाइवलीहुड के ऑप्शन क्रिएट करने होंगे तो ऐसे लिस्ट ऑफ पूरी रिकमेंडेशन है उनको आप ध्यान रखिए बाकी रेन के कमीशन किस कॉन्टेक्स में है ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है अब इसी न्यूज़ में दूसरा पक्ष जो है वो क्या आ रहा है देखो इसी न्यूज़ में आगे ये कह रहा है पैनल कि आपने जो है ये सीड स्कीम लॉन्च तो कर दी लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं ना उसके अप्रूवल में बहुत डिले हो रहा है तो अब सीड स्कीम क्या है ये पढ़ लें स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टी डी नोटिफाइड ट्राइब नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना तो सीड स्कीम बनाई गई ताकि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जो वनरेबल मार्जिनलाइज जो ट्राइबल्स हैं है ना जो डी एन टी में आ रहे हैं उनका इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा सके तो आप यहाँ देखोगे स्कॉलरशिप दी जा रही है है ना कोचिंग दी जा रही है कोचिंग दी जा रही है ताकि जो कॉम्पिटेटिव uh, एग्जामिनेशन में क्लियर कर सके हेल्थ इंश्योरेंस है लाइवलीहुड इनिशिएटिव है कम्युनिटी लेवल पे ताकि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज क्लियर तो रहने के लिए घर यहाँ पे मिल सके तो एजुकेशन है हेल्थ केयर है तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इनका रिलेटेड है तो ये स्कीम आपकी 2021 से 25 26 तक ये की गई थी 2000 करोड़ का इसके लिए बजट दिया गया है तो इसके अंतर्गत जो बेनिफिट है ना वो नहीं मिल रहे हैं और उसी को लेके ये न्यूज यहां पे है तो ये न्यूज है छोटी सी लेकिन यहां पे को, इसको किस तरह से पढ़ना है वो आपने देख लिया यहां पे भी अपने आप में दो टॉपिक निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर आप न्यूज देखेंगे सो यू विल सी प्रचंडा जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा ये जो हैं पीएम बन चुके हैं नेपाल के अब देखो थोड़ा एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं कि कौन अभी यहाँ पे है ना पी एम है या फिर मेंस में भी देखोगे तो ये नहीं आएगा कि क्या पॉलिटिकल वहाँ पे मैनूवरिंग हुई है उठा पड़क हुई है क्वेश्चन आएगा उस पर भी हम आएंगे लेकिन इस डेवलपमेंट को समझना भी ज़रूरी है क्यों हम कर रहे हैं क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश जो है तो नेपाल उसके अंदर डेफिनेटली पहले नंबर पे रहेगा क्योंकि हमारे जो है सिविलाइजेशनल टाइज ओपन बॉर्डर हम शेयर करते हैं ओपन बॉर्डर है नेपाल से तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है ना गुरुखाज हैं आर्मी के अंदर वो एस्पेक्ट अपर रिपेरियन स्टेट है इतनी सारी नदियाँ यहाँ पर आ रही हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया वाटर सिक्योरिटी हाइड्रो पावर एक्सेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट ये वो हो रहा है और यहाँ पे आ, हुआ क्या था देखो नेपाल के अंदर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तीन पार्टीज और तीन उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है अब इसको रटने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इतना डीप में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया देखो नेपाल में यूएमएल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो कि के शर्मा ओली है ना ओली जी की पार्टी है दूसरी तरफ है नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस के लीडर है शेर बहादुर देवबा तो देवबा जी अभी तक क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे ये जो दहल कमल प्रचंडा इनकी पार्टी माओइस्ट सेंटर इनको सपोर्ट कर रही थी इस तरह से इनकी थी प्राइम मिनिस्टर देवबाजी रहे और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हुए सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं देवबाजी के कार्यकाल के अंदर इसको समझने वाली बात है क्योंकि आप देखोगे जब ओली इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के रिलेशन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए है ना क्योंकि और इसीलिए आप देखोगे कि इनको प्रो चाइना भी माना जाता है चाइना के काफ़ी नजदीक जा, माना जाता है आप देखोगे ये ये डिस्प्यूट जो है ये हाईलाइट हुआ ये काला पानी वाला डिस्प्यूट है ना इन्होंने पार्लियामेंट से एक नया मैप निकाल दिया मतलब जानबूझ के इंडिया के साथ रिलेशन को कैसे डिक्लाइन करना है है ना और चाइना के साथ रिलेशनशिप और तेज कर रहे हैं और तेज़ कर रहे हैं तो ओली जी जो थे उस समय पे इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी डिक्लाइन हुए कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बना था उसको लेके इश्यूज हुए फिर इंडिया ने कुछ ब्लॉकेज क्रिएट किया है ना और फिर ये चाइना की तरफ गए और चाइना ने बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट किया चाइना ने क्या किया ये जो ओली जी वाली पार्टी है और ये पुष्प दहल कमल प्रचंडा वाली माओइस्ट सेंटर और ओली जी और प्रचंडा को एक पार्टी में ले आए हालांकि वो चला नहीं 2018 में एक साथ लाए 21 में अलग हो गए और अभी एक दूसरे के घुर विरोधी माने जाते हैं मतलब बिल्कुल छत्तीस का आंकड़ा इनके बीच में है तो हुआ क्या था जब अब ये चुनाव हो रहे थे तो देवबाजी और इनका प्री पोल अलायंस था प्रचंडा और देवबाजी का प्री पोल अलायंस था क्योंकि ऑलरेडी ये सरकार में थे है ना देवबाजी प्राइम मिनिस्टर थे और प्रचंडा भी यहाँ पे गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे प्री पोल अलायंस था पोल होने के बाद में क्या होता है जो प्रचंडा है वो ओली जी के साथ चले जाते हैं क्यों चले जाते हैं क्योंकि प्रचंडा जी कह रहे हैं कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बनाइए किसको कह रहे हैं देवबाजी को कह रहे हैं कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बनाइए तब तो हम आपको सपोर्ट करेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी देवबा जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं लगभग 89 कुछ सीट्स हैं हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं तो हम कैसे बना दें तो प्रचंडा जी गए ओली जी के पास इनको भी लगभग 78 के अराउंड सीटें आई हैं ओली जी को है ना देवबा जी की अराउंड 89 नाइन है नाउ यू डू नॉट नीड टू मग अप दीज नंबर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वट इज हैपनिंग है ना थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है और अगर आप देखेंगे प्रचंडा जी की तो प्रचंडा जी की लगभग थर्टी एट या थर्टी टू कुछ ऐसा है थर्टीज के अंदर है तो ये जब ओली जी के पास गए तो ओली जी ने कहा ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ हम आपको सपोर्ट कर देंगे तो इन्होंने क्या किया जो प्री पोल अलायंस था वो देवबाजी से तोड़ दिया और लास्ट टाइम पे पहले ये माना जा रहा था हाँ देवबाजी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि इनका प्री पोल अलायंस है और इनको मेजोरिटी आ रही है फाइन लेकिन यहाँ पे जो है जो पुष्प दहल ये प्रचंडा है तो ये ओली जी का सपोर्ट लेके प्राइम मिनिस्टर यहां बन जाते हैं अब अगर देखा जाए प्रचंडा का जो कार्यकाल रहा है आप देखोगे प्रचंडा के थर्ड इस तरह से तीसरी बार हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन रहे हैं पिछले चौदह साल के अंदर तो प्रचंडा किस तरह से वर्क करेंगे ये देखने वाली बात है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको सपोर्ट है किसका ओली जी की पार्टी का और ओली जी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे भाई इतना बड़ा सपोर्ट दे रखा है तो उनका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना पॉलिसी मेकिंग और हर के अंदर ये इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है क्योंकि ओली जी जो है इनको प्रो चाइना कंसिडर किया जाता है तो ये इंडिया के लिए एक मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन लास्ट टाइम पे बात बिगड़ गई कई बार होता है ना यार किस्मत वो वो वाली बात है तो सब कुछ अच्छा था प्री पोल अलायंस इन्होंने किया वही जीता इंडिया के लिए बहुत अच्छा हमने डिस्कस भी किया था इसको लास्ट मंथ चर्चा में था ये और हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत अच्छा एक साइन है अगर वापस से देवबा जी आते हैं लेकिन यहाँ पे ये इस तरह का इशू रहा है और अब ओली जी का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहेगा तो इंडिया नेपाल जो रिलेशनशिप है ना यहाँ पे वही वाला मुझे याद आ रहा है कि मौसम बदलने वाला है वो वाली बात है तो थोड़ा सा इंडिया के लिए चैलेंजिंग होगा फॉर श्योर क्योंकि देवबा जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा हमारे लिए रहा था क्वेश्चन क्या रहेंगे इंडिया नेपाल बायलेटरल रिलेशनशिप पे और आप हमेशा ध्यान रखिए इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक एक पेज के नोट्स बनाने हैं और जितने भी नेबरहुड कंट्रीज है ना सब उसमें आ जाएंगे शॉर्ट नोट्स में जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन को देखोगे तो ये डिफाइन हो रहे हैं नाइनटीन फिफ्टी की इंडो नेपाल ट्रिटी से जहाँ पे हमने नेपाल को जो है इंडियन नेशनल्स के बराबर हर चीज के अंदर दर्जा देने का प्रयास किया हमारी ओपन बॉर्डर है हम आ, आप देखोगे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है गोरखाज हैं इंडियन आर्मी में पाइन एक्सटेंसिव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है काफ़ी सारे जो नेपाली सिटीजन्स हैं इंडिया में हैं इंडिया में इस तरह से काम कर रहे हैं काफ़ी सारी रेमिटेंस वो नेपाल में जाती है ठीक है लॉजिस्टिक पर्पज से आप देखोगे तो नेपाल के लिए जुड़ा हुआ है और हमारे हमेशा से ऐसा कुछ नहीं है कि 150 साल से सिविलाइजेशनल लिंकेजेज रहे हैं बहुत पुराने लिंकेजेज हैं कल्चरल लिंकेजेज हैं तो वो सारे इकोनॉमिक लिंकेज हमने अभी डिस्कस किया ही है ये सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं एक स्ट्रगलिंग पीरियड फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है मतलब इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज के अंदर इवन सीमेंट इंडस्ट्री जैसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है और आप देखोगे चाइना इकोनॉमिकली अगर इसको इस तरह से कैप्चर करता है नेपाल को तो फिर नेपाल के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं ऑलरेडी श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है श्रीलंका को कर्जा दिया श्रीलंका ने कहा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जैसे नेपाल को बनाना है तो उसमें गलत कुछ नहीं है लेकिन जब श्रीलंका ने कर्जा लिया श्रीलंका कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो ने चाइना ने कहा कि हम बन जो पोर्ट है ये हमें लीज पे दे दो अब वहाँ पे चाइना की नेवी का प्रेजेंस हो गया इंडिया के बैक में तो इस तरह की स्थिति अगर नेपाल में बनती है कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस ये देखो नेपाल यहाँ पर ये चिकन स्नैक है ये जो हमारा कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं ये क्या है ये चिकन स्नैक ये लगभग 25 किलोमीटर वाइड है ये अगर आप देखोगे ऐसे चौड़ाई केवल और केवल 25 किलोमीटर ऊपर नेपाल आ गया नीचे बांग्लादेश आ गया बांग्लादेश के अंदर इधर भी कुछ ऐसे टेरर ग्रुप्स एक्टिव यहाँ पे हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ऊपर से ये दबाव डाल ही रहा है क्लियर तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रख के चीजों को देखना है और इसी कॉन्टेक्स में हम इस न्यूज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लियर तो ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इन चीजों को रटना नहीं है ताकि आपको इसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो सके तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस आई आर टॉपिक नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी वट इज़ दहली हाई कोर्ट वर्ल्ड ऑन द रू अफजा अब रूह अफजा तो सब जानते ही हो इसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है है ना शरबत होता है रूह अफजा एक स्वीट बीवरेज है इसको लेके इशू चल रहा था कि रूह अफजा कोर्ट में गया और उसने कहा कि एक कंपनी है जो क्या कर रही है आ, दिल अफजा दिल अफजा के नाम से ये अपना जो है शरबत निकाल रही है उसकी पैकिंग वगैरह काफ़ी कुछ हमारे सिमिलर कर रखी है क्लियर तो वो कह रहे हैं कि इससे हमारे को इशू हो रहा है है ना ये जो हमारी जो गुडविल है ट्रेडमार्क की रू अफजा की उसको ये यूटिलाइज़ करके है ना इस तरह से अपना शरबत बेचना चाह रहे हैं तो ये कोर्ट में गया केस और वहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने फेवर में दिया है है ना रू अफजा के फेवर में हमदर्द की तरफ से ये बनाई जाती है और रू अफजा के फेवर में दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया है तो ये जो टॉपिक है इसमें ये करंट बेस्ड आया है मुझे याद आ रहा है एक ड्रग के कॉन्टेक्स में आया था एक दवाई थी जिसके कॉन्टेक्ट में पेटेंट को लेकर क्वेश्चन था तो ये रू ऑफ जा वाला मैटर है और काफी चर्चा में इसको लेके भी क्वेश्चन रह सकता है इससे पहले कॉपीराइट पे भी आ चुका है ये है ट्रेडमार्क पे है ना तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं ट्रेडमार्क क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ फिर वापस हम इस न्यूज़ पे आएंगे और हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो समझेंगे देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी माइंड की क्रिएशन जैसे किसी ने कोई म्यूजिक कंपोजिशन किया है किसी ने किताब लिखी है है ना कोई मूवी बनी है क्लियर इस तरीके से तो ये क्या है क्रिएटिव क्रिएशन हैं माइंड के और इसी तरह से कोई सिम्बल डिजाइन हुआ है तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है अदरवाइज अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है मान लीजिए किसी कंपनी uh, ने कोई दवा बनाई अब उसमें अरबों खरबों रुपए खर्च किए है, है ना वो दवा एक गोली बन के आई और फिर जैसे ही गोली बाजार में आई जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियाँ है उन्होंने उस गोली को बनाना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो जो जिस कंपनी ने दवा खोजी है इन्वेंट किया है वो गोली निकाली है वो सौ रुपये है और जो दूसरी कंपनियाँ उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बना रही हैं दस दस रुपये में बेच रही हैं तो जिस कंपनी ने वाकई में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए उसका तो नुकसान हो गया तो दूसरी बार वो क्यों वहां पे इतना इन्वेस्ट करेगी और वहां पे रिसर्च में इतना इन्वेस्ट करके नई दवा खोजेगी समझ रहे हो तो इस पूरे प्रोसेस में नुकसान किसका है नुकसान ह्यूमन बींग्स का है कि हम इनोवेशन से वंचित रह जाएंगे इस तरह के जो क्वालिटी जो आर्टिस्टिक वर्क है उससे हम वंचित रह जाएंगे इसलिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या दिया गया प्रोटेक्शन दिया गया और ये जो प्रोटेक्शन है ये डब्लू की तरफ से भी है तो डब्ल्यू के अगर आप एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना ट्रिप्स के अंतर्गत ये जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनको प्रोटेक्शन दिया गया है इर ऑफ द कंट्री हर देश में उसका प्रोटेक्शन होगा जैसे दवा निकाली है मान लो यूएसए की कंपनी है मान लीजिए फाइजर है फाइजर ने कोई दवा निकाली है यूएसए की कंपनी है लेकिन उसका प्रोटेक्शन हर देश में इंडिया में भी इसको प्रोटेक्शन मिलेगा तो ये ट्रिप्स के अंतर्गत है और यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉपुलर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं है ना वो उसमें आ जाता है आपका पेटेंट 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 आप जानते ही हैं जैसे दवा है 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 वैक्सीन उस पे मिल रहा है। कोई कोई भी नई इनोवेशन इन्वेंशन है नई खोज है उस पर पेटेंट मिलता है इसी तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की हम चर्चा कर ही चुके हैं जीआई टैग इसके अलावा आप देखोगे कॉपीराइट होते हैं तो कोई भी बुक है ऑडियो विजुअल या फिर वीडियो कॉन्टेंट है उसपे कॉपी राइट होता है ट्रेडमार्क क्या होता है ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन होता है जैसे यहाँ पे आपको तो दिख रहा है ये अनकेडमी का साइन हो गया है ना तो ट्रेडमार्क कोई भी ऐसा पर्टिकुलर साइन जिससे आपको पता चल जाए हाँ ये इस पर्टिकुलर कंपनी का है जैसे आपको चिड़िया देख के पता चल जाता है ट्विटर की है एप्पल देख के पता चल जाता है हाँ ये एप्पल का है क्लियर तो ये क्या होते हैं ये ट्रेडमार्क होते हैं जैसे ये देख के मैकडोनल्ड्स ठीक है ये ट्विटर है ये एप्पल है तो ये क्या होगा ये ट्रेडमार्क हो गया ट्रेडमार्क होता है कोई भी साइन जिससे पता चल रहा है कि एक कंपनी का ये गुड है ना दो कंपनियों के बीच में अंतर हमें पता चल रहा है पहले भी होते थे ट्रेडमार्क एंशेंट में आप देखोगे तो कोई भी जो पेंटर्स हैं वो अपने इनिशियल्स करते थे या इस तरह से अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है रू अफजा वाले में उसमें एक वर्ड यूज हुआ है स्ट्रोंग ट्रेडमार्क क्या है क्योंकि जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा है ना आ, किसको आ, जो ऐसे ट्रेडमार्क हैं जो काफी स्ट्रांग है स्ट्रांग ट्रेडमार्क क्या होगा स्ट्रांग ट्रेडमार्क ऐसा वेल well नॉन ट्रेडमार्क है जिसकी हाई डिग्री ऑफ गुडविल है है ना गुडविल ज्यादा है तो रू अफजा शरबत में आप देखोगे तो एक डोमिनेंट उसका प्लेस है की अपने आप में क्वालिटी को लेके हर चीज के अंदर एक डोमिनेंस है फाइन तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ट्रेडमार्क स्ट्रांग ट्रेडमार्क होते हैं और जो प्रोटेक्शन इनको दिया जाएगा वो ज्यादा होगा तो जितना स्ट्रांग ट्रेडमार्क होगा उतना स्ट्रांग प्रोटेक्शन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट हियर और ये कह रहे हैं कि रूह ऑफ को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्यों क्योंकि ये सब्जेक्टेड टू पायरेसी है क्योंकि काफी पॉपुलर है गुडविल जन ये रखता है तो लोग क्या चाहेंगे इसी को कॉपी करके इसी की गुडविल का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट भी बेचते हैं समझ रहे हैं आप कॉमन सेंस की बात है तो इसीलिए यहां पे जजमेंट क्या कह रहा है कि ऐसे स्ट्रांग ट्रेडमार्क है ना जिनको इस तरह से जिनकी गुडविल बहुत ज्यादा है और उनको यूज करके उनको उनकी पायरेसी करके उनका गलत यूज करके मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है तो हम वहां पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसीलिए हाईकोर्ट ने ये जो डिसीजन है इसके रू ऑफ फेवर में दिया है और ये जो दिल अफजा प्रोडक्ट है इसको बंद करा है कि ये आप इस तरह से इसको इस तरीके से बंद करिए द प्रोडक्ट इज़ अ लो प्राइज कंज्यूमेबल एक और रीज़न यहाँ पे दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है लो प्राइज कंज्यूमेबल है और आपको लग रहा होगा रू अफजा दिल अफजा अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पे कोर्ट का रीज़न है कि ये लो प्राइस कंज्यूमेबल है कोई भी हाई वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें तो फिर भी रिसर्च करेगा क्या, क्या है क्या नहीं है असली नकली लोग ऐसे ही ले जाते हैं कि हाँ अच्छा वही होगा तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं है ना इसलिए हम यहाँ पे नहीं चाहते कि इस तरह से जो है गलत एडवांटेज लिया जाए एक और यहाँ पे जो केस है पुराना केस है उसको इन्होंने मेंशन किया है ये किरोड़ी मल काशीराम वाला जो केस है इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था इट इज़ नॉट परमिसेबल टू कॉपी ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फाइन जो ट्रेडमार्क है उसका रजिस्टर्ड पार्ट आप इस तरह से कॉपी नहीं कर सकते यूजिंग द ट्रेडमार्क ग्लोबल डियर ये इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि डबल डियर है ना एक इसको यूज कर रहे थे दूसरे केस में तो इन्होंने कहा कि नहीं ये जो डियर डियर है ना ये uh, काफ़ी सिमिलर लग रहा है और ये जो ऑलरेडी प्रोमिनेंट मार्क है गोल्डन uh, डियर तो इसलिए आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते ये राइस के रिगार्डिंग चर्चा थी आई होप ये केस आपको ध्यान रहे केस को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना केस को ध्यान क्यों रखना है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी का अगर आप देखोगे पिछले दस साल के पेपर को एनालिसिस करोगे तो कई जगह पे केस वाइज भी जो है इसको दिया गया है तो थोड़ा सा केस को ध्यान रख लेना रेफरेंस या एग्जाम्पल के रूप में एक दो लाइन लिखोगे सो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन फेचिंग द मार्क्स यहां पे आपको नंबर मिल सकते हैं क्लियर तो ये हो गया ट्रेडमार्क क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये क्या होते हैं आप समझ गए क्योंकि देखो ये ये चीजें नहीं समझोगे ना केवल ये न्यूज पढ़ लिया तो फिर बात नहीं बनेगी फिर आप बीच में लटके हुए रहोगे देन यू विल फाइंड की डिफिकल्टी हो रही है आंसर राइटिंग में और वट एवर क्लियर आगे हम आते हैं साइंस एंड टेक ये आपको एक आर्टिकल मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है हालांकि इस आर्टिकल में एक ही चीज पे चर्चा है और ऐसा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट हमें नहीं मिल रहा है क्या ये कह रहे हैं देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो आप समझते ही हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कोई भी मशीन या आर्टिफिशियल इस तरह से जो भी पार्ट हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शो कर रहा है मतलब जिस काम के लिए हमारी इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है ना वो काम मशीन कर रही है तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम डेली यूज़ करते हैं या एटलीस्ट मुझे तो करना पड़ता है जहाँ पे हम स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है जैसा मुझे इतना अच्छा नहीं है टाइपिंग स्पीड तो अगर कुछ नोट्स हैं मैं चाहता हूँ कुछ मेरे नोट्स का पार्ट है उसको मैं टाइप कर दूँ या फिर वो आपके सेशन में इंक्लूड होना चाहिए सो आई विल बी डूइंग दिस टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ उसमें से और वो बिल्कुल जैसे टाइप है ना टाइप कर रहा है सुन के तो या देख के तो उसी तरह से वो मशीन ऑनलाइन वो ट्रांसलेट कर रही है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे आ जाएगी ऑटोमेशन पे भी हो रहा है रोबोटिक्स के अंदर है आज हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमें देखने को मिल रहा है चैट बोर्ड इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल है आपने अमेजोन से कुछ मंगाया या किसी भी कहीं से भी कुछ मंगाया आपको रिटर्न करना है या आपको कोई कंप्लेन दर्ज करानी है है ना तो फिर आप उस हेल्प वाले सेक्शन में जाते हो तो फिर आप जाते ही वहां पर जो रिप्लाई आता है वो चैट चैट बोर्ड कहते हैं उसको है ना जो बिल्कुल आर्टिफिशियल मतलब मशीन इस तरह से आपसे बात कर रही है और फिर बाद में वो कस्टमर केयर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो पड़ती है नहीं तो वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन कई बार हो जाता है तो उसी केस में ये कह रहे हैं कि चैट बोर्ड तो हम यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल हमें इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखने को मिला है इन दिस चैट जी ये जो चैट जी है ये एक तरह का चैट बोर्ड ही है जिसको डेवलप किया गया है लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है मतलब ऐसे ह्यूमन इंटरप्रटेशंस ये देने में सक्षम है जो वाकई में मतलब चौंकाने लायक है तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है क्या आने वाले टाइम में अगर आपको कोई ऐसे है या आपका होमवर्क है तो क्या आप इस चैट बोर्ड का चैट जीपीटी का यूज़ करके लिख सकते हो ये पोटेंशियल की तरफ ये इशारा कर रहा है हालांकि अभी तो बच्चे नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये जो चैट जीपीटी टाइप अगर चैट बोर्ड बन रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि वो बिल्कुल रीजनिंग कर सकती है है ना ऐसे राइट कर सकती है बच्चों के होमवर्क है मतलब इस तरह का रीजनड आर्ग्यूमेंट दे सकती है ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल हमें बता रहा है चैट जीपीटी के माध्यम से है ना इस इस इसी चीज को पूरे आर्टिकल में इन्होंने डिस्कस किया है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक तरह की क्या हो गया डबल एज स्वर्ट दुधारी तलवार है जहां पे हमें क्या होगा इसके डेंजर से उनको भी डील ढंग से करना होगा और इसीलिए आप देखोगे ये बस इस आर्टिकल में इतना ही है है ना अब आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं ये हमने कई बार करा हुआ है इन इश्यूज़ को ध्यान रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है इसमें इथिकल इश्यूज़ क्या हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन से वेल्थ क्रिएशन हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे क्लियर उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अगर कॉज हो रहा है तो कैसे उस इशू को डील करोगे ह्यूमैनिटी है ना मशीन हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है आर्टिफिशियल uh, जो इंट्रैक्शन है वो सब रोबोट्स के राइट right, ये सारे इथिकल इश्यूज हैं जो आपको तो ध्यान रखना है और ग्लोबल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉपरेशन बढ़ाने के लिए जी ये इनिशिएटिव है ये हमने पहले भी कराया ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इस पर प्रॉब्लम्स में पूछ सकता है जी पी आई इज़ अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव मेम्बर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पे चाइना नहीं है पाकिस्तान नहीं है ये ध्यान रखना हो सकता है आपको लगे कि इतने सारे इतने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है चाइना होगा बट चाइना इज नॉट द पार्ट हीयर नॉट अ मेंबर हीयर ये क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है उनको कैसे हार्डनेस करके आगे बढ़े और जो चैलेंजेस जो चैलेंजे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको कैसे डील कर सकते हैं ग्लोबल की चर्चा है चलिए आगे आते हैं हैं बिट्स के अंदर यहाँ पे हम क्या करते है? कुछ एमसीक्यूज लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस पार्ट है ताकि आपका क्या हो एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो जाए ट्राई टू गिव आंसर नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोडोमेडिक ट्राइब वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अभी ठीक है तो ये जो आपका कमीशन बनाया गया 2006 में बनाया गया इट वाज हेडेड बाई तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अभी हम डिस्कस करके आए व्हाट शुड बी द आंसर विजय संपाला है या रेनके हैं हर्ष चौहान है रामेश्वर और रॉन तो ये आप देखोगे ना ये दोनों तो ये तो अभी जो नेशनल कमीशन है सीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके चेयरमैन है तो ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं और ये जो 2006 में बना हुआ है ये रेन के कमीशन है अभी तो हमने डिस्कस किया है ठीक है इजी टू आंसर इजी टू आंसर उसकी रिकमेंडेशन ध्यान रखना क्योंकि वही चीज में भी काम में आ रही है और वही प्रॉब्लम्स में भी काम में आ रही है तो प्रिपरेशन अलग अलग नहीं हो रही है बस अप्रोच करने का तरीका अलग है बी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने किया है ये टॉपिक हमने आज ही क्लास में पढ़ा है ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से क्या क्या कर सकती है ये पूछा हुआ में क्वेश्चन क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था और आई एस के अंदर जो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको आप जितनी बार करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा डजेंट मैटर वेदर यू डू नो द आंसर और नॉट उसको हमेशा ऐसा पढ़ो कि आपने पहली बार उसको स्ट्राइक किया क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में पूछा हुआ है रिसेंटली तो कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है क्या इंडस्ट्रियल यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी uh, कंजम्पशन कम कर सकती है बिल्कुल कम कर सकती है अगर उजाला है तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी समथिंग लाइक दिस है ना तो ये तो यूज़ होता ही है क्रिएट द मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स वाई नॉट जब चैट बॉक चैट बॉट इतना मीनिंगफुल बात कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है डिजीज डायग्नोसिस वाई नॉट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जे कन्वर्जन इसकी हम बात कर ही रहे हैं ठीक है तो ये सारे आपके जाएंगे फिफ्थ आंसर भी होगा वन टू थ्री फोर तो हो ही रहा है अगर फिफ्थ में कन्फ्यूजन हो रहा है तो वन टू थ्री फोर कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन डी डी इज़ इज़ द द राइट आंसर आंसर करेक्ट ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्लियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मुराल पेंटिंग्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री बुद्धा पेंटिंग दिस क्वेश्चन इज डेलिबरेटली फ्रेम्ड फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ताकि आप स्टैटिक पोर्शन पे भी ध्यान दें ठीक है मुराल पेंटिंग क्या होती है मुराल पेंटिंग होती है जो परमानेंट सरफेस पे बनाई गई हैं है ना जैसे कोई uh, पिलर है कोई रूफ है दीवार है उस पर बनाई गई है एग्जीक्यूशन स्केल कंपेरेटिवली बड़ा होता है तो ये पूछ रहे हैं ये सब मुराल पेंटिंग्स ही हैं लेकिन इसमें प्री बुद्धा बुद्धा के एरा से पहले की पेंटिंग्स कौन सी है लिपाक्षी तो लेटेस्ट हो जाएंगी अजंता के पेंटिंग्स भी आपकी बुद्धा से लगभग छह साल बाद आ रही हैं अरबामलाई के पेंटिंग ये भी नहीं आ रही जोगी मारा केव पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़ क्लियर ये जोगी मारा केव पेंटिंग तो पोर्शन में इस तरह से आपको देखने को मिलती है और प्री बुद्धा का अच्छा एग्जाम्पल है ये स्टैटिक पोर्शन से है और डेलिबरेटली हमने इसलिए लिया है ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ लो है ना केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ना है दोनों को बैलेंस करके चलना है ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए वैल्यू ऑफ ए नेशन कैन बी प्रिजर्व ऑनली वेन द प्रजेंट जनरेशन हैव क्लैरिटी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लैंड है ना अगर हमारी हिस्ट्री और वैल्यू सिस्टम इनको लिंक किया है ये जी एस पेपर फोर में पुट करेगा आपको और यहां पर कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको बता दे कि हाँ इसका आंसर ये होगा नहीं होगा अभी जो हमने डिस्कशन किया था है ना आ, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उसके कॉन्टेक्स के अंदर और जो एक आर्टिकल था उसके कॉन्टेक्स में तो वो थोड़ा आपको इस तरह से लिखना होगा ट्राई टू राइट एट लीस्ट हंड्रेड फिफ्टी वर्ड ठीक है दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सेशन सेशन का जो पी डी एफ है आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है टेलीग्राम पर जाके ये आप सर्च कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए यहाँ पे आपका क्लास के लिंक फ्री क्लासेस जो हैं उसकी टाइमिंग पी uh, डी एफ और किसी भी तरह से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल दिस इज़ ऑल ये जो हमारी क्लास है ना ये डेली बेसिस पे आपकी हो रही है डेली बेसिस पे हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर हैं उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्लियर तो दिस इज ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन गाइस और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अन से आप जुड़ सकते हो दिस इज अइंड ऑफ वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर योर कम्प्लीट प्रिपरेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें करने की जरूरत नहीं है अन अकेडमी आपको अनलिमिटेड क्लासेज मिल रही हैं तो आपका एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो सबसे बड़ा चैलेंज है फिर कंप्लीट स्टडी मटेरियल विथ अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स वो मिल रहा है टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग अनलिमिटेड प्रैक्टिस डाउट सॉल्विंग ये सारी चीजें एक ही बार फीस देनी है और ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है टेलीग्राम पर भी लिंक रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना है एंड देन पुट द कोड आर बी एल आई वीई टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो विथ एडिड एडवांटेज लाइक लाइव एंटरशिप वगैरह नए बैच अभी बाईस तारीख से अभी स्टार्ट ही हुए हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज आई आर एम एस सर्विस के लिए अलग बैच चल रहा है सी सैट केवल सी सैट और केवल टेस्ट सीरीज़ करना चाह रहे हो वो ऑप्शन भी मिल जाएगा जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन भी है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फिल कर दीजिए सो दिस इज़ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब हैव ए ग्रेट डे गाइज ओके एंड टेक केयर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और जो आ, मैंने एक शेड्यूल शेयर किया था उसको आप सीरियसली लेना है ना ऐसा नहीं कि सर ने अगर उसको बंद कर दिया है आ, तो वो एक इनिशिएटिव था कि आप शुरुआत वहाँ पे करें है ना मैं वापस शेयर कर देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको ही है फाइन सर केवल मोटिवेट कर सकते हैं आपको गाइड कर सकते हैं डायरेक्शन दे सकते हैं ठीक है पढ़ा सकते हैं बट अल्टीमेटली करना तो आपको ही पड़ेगा ना एग्जीक्यूशन तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आप ही को लिखना है तो ये शेड्यूल है ये एक फॉर्मेट है जरूरी नहीं है आप इसको एज इट इज बिल्कुल ऐसा कॉपी करके करें बट आप अपना डेली बेसिस पे शेड्यूल बनाएं आपके जो भी सात पॉइंट हैं आठ पॉइंट है वट इट इज और थोड़ा इजी बनाएं पहली बार में परफेक्शन नहीं कर लेना है थोड़ा अपने ऊपर ईजी रहो थोड़ा कंपेशन अपने लिए भी रखो है ना तो होगा क्या धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होगी पहली बार में इतना डिफिकल्ट बना लोगे फिर वो रेजिस्टेंस रहेगा फिर आप देखोगे नहीं हो पा रहा है एक दिन भी छोड़ दिया ना तो वो एक दिन से पाँच दिन का गैप होता है पाँच दिन से दस दिन का गैप होता है महीनों निकल जाते हैं फिर लगता है यार पूरा साल निकल गया अब नया साल आ रहा है अब बनाते हैं तो ये लगभग एक महीने से हम शेयर कर रहे हैं इसको ठीक है थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाइए और चीज़ों को करिए यू विल फाइंड थिंग्स वेरी इजी एक बार आप कंसिस्टेंसी पकड़ लेते हैं